दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो गूगल ड्राइव होता है, जिसमें हमें 15 GB का स्पेस दिया जाता है गूगल की तरफ से, यानी कि फाइव यानी कि वेब होस्टिंग दी जाती है गूगल की तरफ से 15 GB की, तो उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पर कैसे हमें अपनी वीडियो, इमेज, फोटो, जो भी हमारी फाइल्स हैं उनको कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए भी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिसके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपने गूगल क्रोम के ब्राउज़र को ओपन कर रखा। वहाँ पे आपको यहाँ पर जो मेनू दिए जाते हैं साइड में, अगर आपने ईमेल आईडी लॉगिन किया तो ठीक है, नहीं किया तो आपको लॉगिन कर लेनी चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेनू दे दिए जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं, सभी एप्लीकेशन दे दिए जाते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल ड्राइव भी दे दिया जाता है, तो आप देख सकते हैं ड्राइव। तो मैंने इस पर क्लिक किया, तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, ओपन थोड़ी देर में हो जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिससे कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सके। अब हम क्या करते हैं, गूगल ड्राइव ओपन हो रही है, हमारा थोड़ा इंटरनेट से चल रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में यहाँ पर हमारी एक फाइल जो वीडियो है वो अपलोड हो रही है। यहाँ पे देखिए मेरे बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए हैं, देखिए 1083 PDF बुक, AI फाइल, MP के फाइल, यहाँ पे एप्स की लिंक है, कैमरा है, क्लासरूम है, यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स कई सारे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप भी अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक सारी एप्लीकेशन था उसके लिए बनाया था, तो यहाँ पे मैं एक लिंक जो एप्लीकेशन है उसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, जिससे कि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए एडिटिंग इमेज है, गूगल प्ले स्टोर है, यहाँ पे न्यू वीडियो MP3 फाइल है, यहाँ पे माई एप्स है, ठीक है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, क्लासरूम है, यहाँ पे कंप्यूटर बुक्स हैं, हिंदी है, कैमरा, बहुत कुछ यहाँ पे है जो आप देख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन की यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमने प्ले किया था, और इसके बाद आपको कुछ भी अगर इंस्टॉल करना है, यानी कि डाउन यहाँ पे अपलोड करना हो, तो आपको सिंपल से यहाँ पे अपने जो भी कुछ अपलोड करना है, जैसे मैं यहाँ से एक फ़ोटो को लेकर के आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपके पास ये फ़ोटो है, तो सीधा सा आप इस पर खींच के यहाँ पर रख देंगे गूगल ड्राइव में, और यहाँ पर कॉपी जब आ देख के आ जाएगा तो आप इस पर अपलोड कर दें, छोड़ दें। जब कॉपी लिख करके आ जाए तो यहाँ पर देखिए आपको ये टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसी ही टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी, ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं अपलोड होगा, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, कहीं ना कहीं अपलोड होगा, ठीक है। तो आपको उसकी लोकेशन जहाँ भी आपको अपलोड करनी है वहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रद्द कर देता हूँ एंड अपलोड रहने दें। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, तो न्यू फोल्डर बनाया मैंने, फोल्डर बनाया टेस्ट के नाम से, ठीक है, मैं एक टेस्ट के नाम से फोल्डर बनाऊँगा। किधर गए, अभी तक नहीं आया, मैं फोल्डर बनाता हूँ, थोड़ी इंटरनेट की कमी चल रही है हमारे में, अभी हो जा हो जा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको अपलोड करना है, सिंपल सा आपको क्या करना है, अपने फाइल को यहाँ पर खींच के रख देना है जहाँ पर भी आप अपलोड करना चाहते हैं, और ये एप्लीकेशन आपकी फाइल को अपलोड कर देगा। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर में आया ये, तब तो दूसरा एप्लीकेशन भी ओपन हो गया, C++। अभी C++ भी दिक्कत करेगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटाना पड़ेगा, हटा दिया।